गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में दसम वर्ग में संस्कृत में मैंने चौथा पाठ शिशु लालनम का आधा से अधिक पाठ पढ़ा करके भेज दिया था आप सबों के पास वीडियो के माध्यम से। आज मैं इसका अवशेष पढ़ा करके आप सबों के पास भेज रहा हूँ, इसे ध्यान से आप सभी पढ़ेंगे। लव कहते हैं कि ननु भगवान वाल्मीकि। वास्तव में भगवान वाल्मीकि हैं कौन, तो राम कह रहे हैं किन संबंध है न, माने वाल्मीकि से राम पूछ रहे हैं लव से कि आपका क्या संबंध है। लव कहते हैं कि उपनयन उपदेशे न, उपनयन माने शिक्षा दीक्षा का उपदेश है। राम कहते हैं यानी वो हमारे गुरु हैं, हम उनसे शिक्षा लिए हैं। राम कहते हैं कि अहम अत्र भवतो जनकम, मैं यहाँ आप दोनों का पिता हूँ। नाम तो वेदतुम इच्छामि, मैं वेद जानना चाहता हूँ, वेद के माध्यम से जानना चाहता हूँ, आप सबों को वेद सिखाना चाहता हूँ, वेद की इच्छा जताता हूँ। लव कहते हैं कि नहीं जानामि अस्य नामधेयम, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और न ही तपोवन में कोई इनके नाम का व्यवहार किया है यानी उपयोग किया है। राम कहते हैं कि अहो महात्म्यम, अहो महात्मा, कुश से बात हो रही है कि जानामि अहम तस्य नामधेयम, जानता हूँ मैं उनका नाम। राम कहते हैं कि कथ्यताम कहिए, कुश कहते हैं निरनु क्रोशो नाम, शायद कुछ नाम है। राम कहते हैं कि वयम अस्य वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये विचित्र नाम धेयम माने नाम है। विदूषक कहते हैं विचिंत्य माने सोचकर, एवं तावत पृछामि, मैं तब पूछता हूँ कि निर्नुक्रोश इति कह एवं भनति, निर्नुक्रोश नाम कौन कहता है। भनति माने कहता है, भनति मीन्स कहता है। कुछ कहते हैं अम्बा माँ, विदूषक कहते हैं कि किम कुपिता एवं भनिति, क्या वे बात क्रोधित होकर कहते हैं। उत अथवा प्रकृति अस्था या प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से कहते हैं। कुछ कहते हैं कि यदि अवयो बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति, यदि हम दोनों के प्रति बाल्यावस्था के भाव से कुछ कोई देखता है, विनम्रता को देखता है, तदा एवं अधिक्षिपति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ, तब उसी प्रकार ये नाम प्रतिष्ठित होता है दोनों पुत्रों के लिए यानी लव और कुश। कुश कहते हैं विदूषक से कि माँ चापलम, चपलता मत कीजिए यानी चंचलता मत कीजिए, शीघ्रता मत कीजिए। विदूषक कहते हैं कि यतियो यदि पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम, ये यदि पिता के द्वारा निर्नुक्रोश नाम दिया जाए तो यतियो जननी तेव अवमानिता, तो मेरी माँ जो है यानी हम दोनों की माँ जो है वो इस नाम को अवमानित करेगी, अवहेलना करेगी, निर्वासिता इस नाम का बहिष्कार करेगी। यदि न बचने न दारकौ निभर्त्यति, और इस वचन से अपने दोनों पुत्रों को बचाएगी। राम कहते हैं स्वगतम, स्वागत है, धिंग मने धिकार है, माम एव भूतम, मुझे धिकार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी मत कृते न अपराधे न स्व अपत्यवमेव मनयुग भई क्षरयनी भर्त्यति, माने वह तपस्विनी मेरे अपराध के द्वारा अपने संतान को भी अब हमसे ज़्यादा रक्षा करती है। धन्य है वह स्त्री यानी अपनी पत्नी सीता के बारे में कह रहे हैं राम कि धन्य है वह तपस्विनी जो मेरे नहीं माने अलग रहते हुए भी वह अपने अपत्य में व मनी संतान के प्रति माने ज़्यादा देखभाल करती है, अपने संतान को ऐसे विचार दी है, उत्तम व्यवहार दी है। राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, अत्यंत लंबी प्रवास माने वनवासी के रूप में ये दारुण पुत्र दोनों लव कुश अत्यंत माने कहने का मतलब कि बहुत दिनों तक हमसे अलग वन का ही जीवन यापन किए हैं। विदूषकम अवलोक्य जानन्ति कम, विदूषक को देख करके जानते हैं। कौतूहलेन अविष्टो मातरम अनयोः नाम तो वेदितुम इच्छामि, कौतूहलवश यानी हंसी खेल में यह माता के द्वारा हमें नाम दिया गया है। वेदितुम इच्छामि माने जानना चाहता हूँ, यानी वेदितुम का मतलब जानना, इच्छा में मैंने चाहता हूँ, यानी राम कहते हैं कि आपकी माँ के द्वारा ये कौतूहल बस ये नामकरण हुआ है लव कुश। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम, ये युक्त है या अयुक्त है यानी उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, विशेष तपस्विनी उस तपस्विनी के द्वारा यानी माता जानकी के द्वारा ये नामकरण दिया गया है लव और कुश। तत् को अत्र अभी उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है,
जब माँ ने ही लव कुश नामकरण कर दिया है तो इसमें अब क्या उपाय है। मैं यहीं तक आज वीडियो बना करके आप सबों के पास भेज रहा हूँ। इतना पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। धन्यवाद।